बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। हम चैप्टर टू कर रहे हैं एटम्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, जिससे मैटर बना है वो एटम है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। उससे पहले हम अपने सबक के आगाज़ में दुआ पढ़ते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मुझे इल्म ज़्यादा दे या मेरे इल्म में इजाफा कर। इसके साथ साथ हमें वो इल्म भी सीखना चाहिए जो हमें मुअय्यन, यानी जो हमें फ़राइज़ हैं, हमेशा सच बोलना वो करने का कहता है, ममनू छोड़ देना, झूठ छोड़ देने का कहता है, वो है कुरान मजीद का इल्म, वो भी सीखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज से कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ें, रोज़ाना कम अज़ कम 3 आयतें। तो हम अपने सबक की तरफ आते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो ये ऐसे ही है जैसे आप अपने एलिमेंट्स के घर का एड्रेस जानना चाहते हैं। जैसे एक मुल्क है, फिर उसके बाद कंट्री आता है, फिर स्ट्रीट आता है, फिर उसके बाद घर का एड्रेस आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉन्स लिव इन ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में रहते हैं। व्हाट इज ऑर्बिटल? 3D एरिया अराउंड द न्यूक्लियस। तो हाउ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन कैसे न्यूक्लियस के किर्द घूमते हैं। तो उससे पहले हमें ये देखना चाहिए कि शेल होता है, शेल इज़ नॉट राउंड सिंस इट हैज सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स। तो एक एटम के जो हैं एनर्जी लेवल्स हैं, एंड दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय एन वैल्यूज़, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल न्यूक्लियस के करीब होता है, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और इनको अल्फ़ाबेट्स के, दे आर डेजिग्नेटेड बाय द अल्फ़ाबेट्स, इनके लिए हरूफ़े तहजी नामज़द किए जाते हैं। जैसे पहला एनर्जी लेवल के कहलाता है, फिर उसके बाद एल आता है, फिर एम आता है, फिर एन और सो ऑन। के शेल इज़ क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, जो के शेल है वो न्यूक्लियस के करीब तरीन होता है, यानी के शेल जो है वो पहला एनर्जी लेवल है। द एनर्जी ऑफ शेल इंक्रीजेज फ्रॉम के शेल ऑनवर्ड, जैसे ही के शेल से बाहर आना शुरू हो एनर्जी लेवल ज़्यादा हो जाता है। के इज़ द लोएस्ट एनर्जी लेवल, सबसे कम तवानाई जो होती है वो के शेल में होती है या फर्स्ट एनर्जी लेवल में होती है। मोर एनर्जी देन के जो है वो एल में होती है, एल में के से ज़्यादा एनर्जी होती है, ये दूसरे नंबर पर आता है या सेकेंड एनर्जी लेवल है। मोर एनर्जी देन के एंड एल, एम में के और एल दोनों से एनर्जी ज़्यादा होती है और ये थर्ड एनर्जी लेवल है। और एन जो है इट हैज़ मोर एनर्जी देन के एल एंड एम शेल्स, इसमें के एल एम शेल्स से ज़्यादा एनर्जी होती है और ये फोर्थ एनर्जी लेवल है। इन सिंपल वर्ड्स, आसान अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं, शेल्स आर द मेन एनर्जी लेवल्स, शेल्स तवानाई के अहम दर्जे हैं। दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई, जो कि इलेक्ट्रॉन कब्जा कर सकता है या जहाँ पे आमतौर पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स अराउंड द न्यूक्लियस, शेल्स जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द दायरे की शक्ल में होते हैं। दे आर काउंटेड फ्राम द सेंटर आउटवर्ड, इनकी गिनती मरकज से बाहर की तरफ की जाती है, 1, 2, 3, 4 या के एल एम एन। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पर शेल, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको 2n² फार्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। और इसी तरह तीसरा शेल जो है वो 18 या 18 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है। द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इज़ रिटन एज 2, 8 और 18, पहले में 2, फिर 8 और फिर 18। अ शेल आल्सो कंसिस्ट ऑफ सब शेल, एक शेल में मज़ीद सब शेल होते हैं, जैसे द नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल इज इक्वल टू इट्स एन वैल्यू, सब शेल का नंबर शेल की एन वैल्यू के बराबर होता है। जैसे
एन पहला है तो उसमें एक सब शेल होगा, एन टू में दो सब शेल होंगे और थर्ड शेल में तीन सब शेल होंगे, यानी आपने जो मेन एनर्जी लेवल है उसके मुताबिक उतने ही उसके सब शेल्स होते हैं। ईच सब शेल इज डेजिग्नेटेड बाय अ स्मॉल अल्फाबेटिकल लेटर एस पी डी एफ एटसेट्रा। हर सब शेल को एक छोटा हरफ अता किया जाता है एस पी डी और एफ। जैसे एन वैल्यू है फर्स्ट शेल की वन, तो इसमें वन एस है, फिर ये टेबल दिया हुआ है जिसके मुताबिक हम करते हैं। शेल इज द पाथवे फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द एटम ऑफ अ न्यूक्लियस। शेल वो रास्ता है जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द इख्तियार करते हैं, और फिर एक शेल के अंदर सब शेल होते हैं। सब शेल इज द पाथवे इन विच द इलेक्ट्रॉन्स मूव विद इन अ शेल। सब शेल वो रास्ता है जो शेल के अंदर रहते हुए इलेक्ट्रॉन इख्तियार करता है, और फिर सब शेल के बाद ऑर्बिटल्स आते हैं। ऑर्बिटल इज अ मैथमेटिकल फंक्शन दैट डिस्क्राइब्स द वेव लाइक बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो वेव की तरह बिहेव करता है वो ऑर्बिटल मैथमेटिक फंक्शन है जो मैथमेटिकली हम कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम डिफाइन करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी इलेक्ट्रॉन की तकसीम न्यूक्लियस के गिर्द उनके तवानाई के दर्जों के मुताबिक जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। इस चैनल को सब